मॉर्निंग मिस नीता। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर, आज ट्रेन लेट है क्या? नहीं तो, राइट टाइम है। वो देखिए आगे। दिनेश सक्सेना और सिक्योरिटी गार्ड्स को कत्ल करके डाकू सारा सोना ले गए। दिनेश सक्सेना, जिसके नाम से इस इलाके के सभी बदमाश कांपते थे। वेरी सैड। उनकी बेटी नीता तो सदमे से बेहोश हो गई थी। नेचुरली, उनकी इकलौती बेटी है। रणवीर, जहां तक मुझे याद है, आज से 3 साल पहले इसी तरह सुपर फास्ट एक्सप्रेस पर भी डाका डाला गया था, जिसमें गाड़ी का गार्ड और सिक्योरिटी के सारे आदमियों को मारकर सोना लूटा गया था। सर, उस डकैती में एक आदमी पकड़ा गया था जिसको 3 साल की सजा हुई थी। जहां तक हमें खबर है, ये मुजरिम कुछ ही दिन पहले रिहा हुआ है। तनवीर, जेल का अंधेरा सोने की चमक तमक को मिटा नहीं सका और फिर से शायद इसी। आपका अनुमान बिल्कुल सही है सर, ये डकैती यकीनन इसी बदमाश ने की है। ये लूट का सोना इसे हजम नहीं होगा। लखन पाल का रुपया आसानी से हजम नहीं होता है दोस्त, एक बाजी और। ₹100 ब्लाइंड, 200 ब्लाइंड, 300 ब्लाइंड, 500 ब्लाइंड। ₹1,000। पैक। 2,000 ब्लाइंड। पैक। पैक। 3,000। ₹4,000 ब्लैंक। 5,000। 5,000 पत्ते दिखाओ कैश। गौर से देखो, इस पे सोना है। 10,000 कैश। ओह, कैश।
इसमें सिर्फ 6 गोलियां हैं, तुम्हारे लिए एक ही काफी है। जान प्यारी हो तो हार मान जाओ। जिन्हें जान प्यारी होती है वो जुआ नहीं खेलते। जिंदगी मुझे हरा ना सकी, ताश के 3 पत्ते क्या हराएंगे। अल्बर्ट, इन चिड़ी के गुलामों को बाहर फेंकवा कर अपनी सराय ठीक करवा लो। मगर कैसे? फर्नीचर तोड़ फोड़ कर जाना। थैंक यू एंजल। अरे God bless you. खाना और थोड़ी सी शराब। अरे भाई कुछ नहीं है, शराब बंद हो गई। 5 तंदूरी मुर्गे, 1 बोतल शराब और 2 डजन फुल बॉइल्ड अंडे। अंडे? इधर मुर्गे की एक टांग नहीं है, तुम 5 तंदूरी मुर्गे की बात करता है। जल्दी, नहीं तो मैं तुझे भून कर खा जाऊंगा। अल्बर्ट, लखनपाल और उसके आदमियों को किसने मारा? मैंने नहीं मारा शंकर दादा। अल्बर्ट, हाँ मारने वाला तो गया आसमान की तरफ। देख लूंगा, चल हम सबको दारू पिला और खाना भी खिला। सारा किचन तो उस टेबल पर है, दारू का एक बाटली बचा था वो भी उधर ही है। जानता नहीं मैं कौन हूँ? कबाब में हड्डी। देखते क्या हो,
मारो साले को। खाना गिर गया। का भाई लगता है सर। भाई नहीं, हमारा नाम भीम सिंह है। ओह, इसको जानता है? हा? नहीं। अब जानता है? इसका नाम विक्रम है। और चोर है, बहुत बड़ा चोर। और निशानेबाज भी है, गन मास्टर। यहाँ कब आया था? आज ही। इसके बारे में और कुछ जानते हो? इसके बारे में इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। इसका नाम विक्रम है। जी, बहुत बड़ा चोर है। हाँ। अच्छा निशानेबाज है। जबरदस्त गन मास्टर है। और वो आज यहाँ आया था। ये सब तो मैं भी जानता हूँ, मूर्ख। Thank you.
उस रात मेरे घर में क्या करने आए थे? मेरी नियत चोरी वोरी करने की बिल्कुल नहीं थी। मैं तो सिर्फ इस घर से परिचित होने आया था। सिर्फ इस घर से? सच पूछिए तो मुझे एक मुद्दत से आपकी तलाश थी। आपकी शोहरत और अचूक निशानेबाजी के चर्चे सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपना सब कुछ छोड़कर आपके चरणों में रहने आ गया। क्यों? मैं एक छोटा मोटा चोर हूँ और आप महाचोर हैं। मुझे अपने साथ ले लीजिए, हम दोनों मिलकर सारी दुनिया को लूट सकते हैं। मेरी दुनिया बहुत छोटी है दोस्त, मैं उतना ही चुराता हूँ जितने की मुझे जरूरत होती है। विक्रम बाबू, भगवान ने आपको दिमाग दिया है और मुझे शरीर दिया है जिसमें काफी जान है। आप मुझे अपने साथ ले लीजिए, उसमें फायदा ही फायदा है। जिंदगी के सफर में मैं फायदे और नुकसान के झमेलों से गुजर चुका हूँ। आज मैं जो कुछ भी करता हूँ अपनी खुशी के लिए करता हूँ, और वो भी अकेला। आप मेरा दिल दुखा रहे हैं। मैं अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हूँ, आपकी जान के लिए। अपनी जान की बाजी तो मैंने जिंदगी के खेल में
कब की दांव पर लगा दिए है। अब वक्त ही बताएगा मैं हारता हूं या जीतता हूं। गुड नाइट। मुझे ये आदमी चाहिए। जिंदा या मुर्दा? जिंदा। मारूंगी इसे मैं, अपने ही हाथों से इसकी जान लूंगी, उतनी ही बेदर्दी और बेरहमी से जैसे इसने मेरे डैडी को मारा था। आपके डैडी को? हाँ, इस डाकू ने सोने की खातिर मुझे अनाथ कर दिया। मैं इसका नामो निशान मिटा दूंगी। तुम इसे लाकर मेरे पैरों में डाल दो, मैं अपने पैरों से इसका सर कुचल दूंगी। मुझे भी विक्रम से अपना हिसाब चुकाना है। अपना हिसाब तुम इसकी लाश के साथ चुकाना। विक्रम की जिंदगी मैं खरीद रही हूँ। नाचने के अलावा रातों में आपको घूमने का भी शौक है? मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। अगर आप ना आते तो ना जाने क्या हो जाता। आपने मेरी जान बचा ली। घर जाइए, जंगल में बहुत खतरा है। अरे सुनिए, मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। मैं कुछ नहीं कर सकता, घर जाइए। रुक जाइए प्लीज। कहां से मुसीबत आ गई? मैं कहां हूं? घर में। किसके? मेरे। यहाँ कैसे आ गई? बेहोशी में। ओह हाँ, मैं बेहोश हो गई थी। आप तो मुझे अकेला छोड़कर चले आए। सुबह होते ही यहाँ से चल दीजिएगा, आपके कपड़े भीग गए हैं, इसे काम चला लीजिए।
कल रात नाचते वक्त जब सराय में मैंने आपको देखा, तभी मेरे दिल ने मुझसे कहा, नीता तेरी मुराद पूरी हो गई, तुझे जिस नेक इंसान की तलाश थी वो यही है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ना मैं किसी पर एहसान करता हूँ और ना किसी का एहसान लेता हूँ। मुझे ये रात हमेशा याद रहेगी। क्यों? क्योंकि इस रात को मैंने आपको इतने करीब से देखा है। एल्बर्ट जी, तुम्हारी लस्सी बहुत अच्छी है। थैंक यू भीम सर। तुम्हारी नाचने वाली भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। उसका नाम भी अच्छा होगा। यस सर, उसका नाम है नीता। नीता? यस। इतनी अच्छी नाचने वाली तुम कहां से पकड़ के लाए? अरे लल्लू, तुम नहीं सुधरोगे। ये लो, अब याद आया। हम इसको पकड़ कर नहीं लाया भीम सर, ये खुद चल कर आया। इसने हमसे काम मांगा, हमने इसको काम दे दिया। एक बात है भीम सर, इसके आने से धंधा डबल हो गया। हम तुम्हारा धंधा ट्रिपल कर देंगे। कैसे? इस लड़की के बारे में कुछ और बताओ। इसके आगे हम कुछ नहीं जानता भीम सर। लड़की का नाम नीता है, वो बहुत अच्छा नाचती है, इतना तो मैं भी जानता हूँ। मूर्ख, मैंने आपके पैरों की आहट सुन ली थी, नहीं तो इन खाली बोतलों की तरह आपका सर भी गायब हो जाता। क्यों अपनी जान खतरे में डाली आपने? उस रात के बाद से तो मेरी जान के मालिक आप ही हो गए हैं। आप ही ने मेरी जान बचाई थी। अगर आपके हाथों जान चली भी जाती तो क्या बुरा था। विक्रम साहब, मैं आपकी कर्जदार हूँ, मुझे आप कहकर ना बुलाएं। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो? आपकी अचूक निशानेबाजी की थोड़ी सी दौलत पाने के लिए। किसी को मारना चाहती हो क्या? हाँ, बड़ा भारी हिसाब चुकाना है, और जब मैं उस शैतान पर गोली चलाऊं तो सीधी जाकर उसके सीने में लगे। एक बार और। विक्रम, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तरबूज खाने के लिए होता है, गोली मारने के लिए नहीं। खा ले दोस्त, खा ले। ये तरबूज नीता देवी के सुंदर हाथों से मरा हुआ तरबूज है। खा ले बेटा, खा खा। नीता देवी, पहले तो आपके इन खूबसूरत हाथों में ये लंबी बंदूक जचती ही नहीं, और फिर अगर आपको निशाना लगाना ही है तो मेरी तरफ लगाइए। आप जैसे सुंदरी के हाथों मर के मैं सीधा स्वर्ग पहुंचूंगा। भीम साहब, मैं आप जैसे हसीन जवाब बाके मर्द पर किस दिल से गोली चला सकती हूँ? मैं सचमुच आपको हसीन लगता हूँ? दिल से कह रही हूँ। ओहो, तुम कहाँ चल दिए? तुमसे मतलब? अरे मतलब है, तभी तो तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। लेकिन क्यों? भाई मैं हूँ भीम और तुम हो अर्जुन, मुझे अपना पार्टनर बना लो। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, समझे मोटे? हट! बड़ा कठोर है मूर्ख। सुना नहीं सुंदरी ने क्या कहा? मैं हसीन हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बांका मर्द हूँ। लट्टू, शरीर में आग सी लगी है, प्यार की आग। मैं आप जैसे हसी जवां बांके मर्द पर किस दिल से गोली चला सकती हूँ? एल्बर्ट, लल्लू, ये क्या भीम सर, आप एकदम तर होकर आए हैं, और ये दाढ़ी? ओह थैंक यू सर, फूल। ये फूल तेरे लिए नहीं है कांटे। जल्दी से बता नीता कहाँ है। अगर मैं बताऊंगा कि नीता कहाँ है तो आप कहेंगे ये तो मैं नहीं जानता हूँ। अरे लल्लू, नहीं कहूंगा, जल्दी से बता नीता कहाँ है। तो नीता अपने कमरे में, रूम नंबर 6। हाँ
रीता देवी देवी नीता कौन है जी मैं हूँ आप तो आपको भी नहाने की जरूरत पड़ गई जी मैं भी अभी अभी अपनी जल समाधि से निकलकर आया हूँ आप जल्दी से बाहर आ जाइए ना अभी आई कहिए नीता देवी मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा क्यों क्या हुआ आग लगाकर पूछती हैं कि क्या हुआ आग क्या आग नीता देवी अगर आपने मेरे मन की बात नहीं सुनी तो मुझे सारी जिंदगी तालाब के पानी में रहना पड़ेगा आप कहना क्या चाहते हैं मैं आपका मतलब नहीं समझी मैं जो कहना चाहता हूँ वो इन गुलाब के फूलों में छुपा है मेरे मन मंदिर की देवी मैं तुमसे प्यार करता हूँ जंगली जानवर बदतमीज तुमसा नहीं देखा हर दिल दिख देखो तुमसा नहीं देखा दिल दिख देखो दीवाना 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 दिल तेरा दीवाना जंगली जानवर बदतमीज अरे जंगली कहो कहो मुझे जानवर अरे जंगली कहो कहो मुझे जानवर जंगली कहो कहो जानवर कह लो मुझे बदतमीज तुमसा नहीं देखा दिल दिख देखो तुमसा नहीं देखा दिल दिख देखो ये दीवाना 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 दिल तेरा दीवाना मुझे समझ न बंडलबाज मारन ऐसे ठोकर प्यार का मैं प्रोफेसर आजा सिखा तू प्यार का अंदाज मैं कोई मुजरिम नहीं प्रिंस नहीं मैं प्रीतम हूँ मैं कोई मुजरिम नहीं प्रिंस नहीं मैं प्रीतम हूँ दिल का हूँ राजकुमार जा, ब्लफ मास्टर हाय तुमसे नहीं देखा हर दिल दिख देखो तुमसे नहीं देखा दिल दिख देखो अरे दीवाना 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 दिल तेरा दीवाना Thank you.
है सच्चाई था मैं ब्रह्मचारी, हाय किस मोड़ पे तू गई मिल, ये है उम्र की तीसरी मंजिल, जवां मोहब्बत को तड़पे दिल, आहिस्ता आहिस्ता ये दिल में अरमा क्या जागे, अरे आहिस्ता आहिस्ता ये दिल में अरमा क्या जागे, लगा दिया तूने प्रेम रोग। अरे जा पगला कहीं का, हाय तुम सा नहीं देखा पर दिल देख देखो, तुम सा नहीं देखा दिल देख देखो, दीवाना 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 दिल तेरा दीवाना। ओह डार्लिंग तुमसे अच्छा कौन है? या हल्ला या हल्ला दिल गई, लाल छड़ी मैदान खड़ी, बार बार देखो हजार बार देखो, मोहब्बत नई ये नया प्यार देखो, गोविंदा आला रे आला, प्यार झाला रे झाला, गोविंदा आला रे I love you. अपना प्यार एक ऐसे आदमी को दे रही हो जिसकी जिंदगी एक वीरान जमीन की तरह है, जिस पर प्यार के फूल कभी नहीं खिल सकते। विक्रम, मैं इस वीरान जमीन को अपने प्यार से सींच कर हरा भरा कर दूंगी। सोच लो। मैंने फैसला कर लिया है। तो भूल ही गया था नीता, प्यार जैसी भी कोई चीज होती है। तुम्हारे प्यार ने मुझे नई जिंदगी दी है,
और तुम्हें पाकर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा हो गया है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। ये क्या? मैंने तुम्हें जिंदगी दी, अब मौत दूंगी। पागल मत बनो। खूनी हत्यारे, सोने के चंद टुकड़ों के लिए तूने मेरे डैडी की जान ली। नीता, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी नफरत की आग तेरे खून से ठंडी होगी। नीता, नीता। मैंने तुम्हारे डैडी को नहीं मारा। नीता, जिस डकैती में तुम्हारे डैडी का कत्ल हुआ था उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम्हारे प्यार की कसम नीता, मैं तुम्हारे डैडी का कातिल नहीं हूं। ये झूठ है, ये झूठ है। सच है नीता, मैं जानता हूं तुमने मुझ पर क्यों शक किया। आज से 3 साल पहले इसी तरह सोने की डकैती में मुझे सजा हुई थी, और ये जो 13 जनवरी को सोना लूटा गया जिसमें तुम्हारे डैडी मारे गए, लोग इस डकैती को भी मेरे नाम लगा रहे हैं। लेकिन सच तो यह नीता, मैं कोई पेशेवर डाकू नहीं हूं, ना कभी था। मैं तो एक सीधा साधा फॉरेस्ट ऑफिसर था। मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती थी। अंजला, अब उठ भी जाइए, सुबह हो गई है। इतनी जल्दी क्यों हो गई? अभी तक जी नहीं भरा आपका, रात भर तो सताया है मुझे। तुम दिन में सता लो। काम पर नहीं जाना है? अरे काम से तो हम गए अंजला, तुम्हारे इश्क ने मुझे निकम्मा कर दिया है। आज जी भर कर पी लेने दो। क्या तुम्हें? ये पवित्र क्रॉस तुम्हारे और मेरे प्यार का साक्षी है अंजला। ये इस बात का भी गवाह है कि मैंने दिलो जान से आपको अपना मसीहा माना है। तुम्हें इस पर बहुत विश्वास है? ये प्यार कुर्बानी और इंसानियत की निशानी है। जब आप मेरे पास नहीं होते तो इसका साया आपके साथ होता है। साहब, साहब, विक्रम साहब। क्या बात है कपूर? साहब, जंगल में पूरब की तरफ आग लग गई है। तुम वहां चलो, मैं आता हूं। आग? मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आग आग के पास जाकर क्या करेगी? मैं जंगल की साग को बुझा कर आता हूँ, लेकिन जो आग मेरे अंदर लगी हुई है मेरे वापस आने के बाद उसे तुम्हें बुझाना होगा। कब तक आओगे? बस आग काबू में आई और मैं आ गया, लेकिन तुम शोला बनकर दहकती रहना। के पास जाकर क्या करेगी? मैं जंगल की साग को बुझा कर आता हूं, लेकिन जो आग मेरे अंदर लगी हुई है मेरे वापस आने के बाद
उसे तुम्हें बुझाना होगा। बस आग काबू में आई और मैं आ गया। तुम शोला बनकर देखती रहना। तुम आओ तो सही। देखिए एक खतरनाक डाकू इस इलाके में घुस आया है, क्या आपने उसे देखा है? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया। मैडम वो इसी इलाके में है, बी केयरफुल। पर तू बहुत अभागी है रे गोरी, तूने हमको देख लिया। और हमारा दस्तूर है जो भी कहर सिंह को देख लेता है हम उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद कर देते। नहीं, नो, नो। मैंने भी आग बुझाकर ही दम लिया। ये क्या हो गया अंजना? इस बात का भी गवाह है कि मैंने दिलो जान से आपको अपना मसीहा माना। अंजला की मौत ने मेरे सहन और जिस्म में प्यार की जगह नफरत की ज्वाला भर दी। हर जीती जागती चीज के लिए नफरत। अरे नाथिया,
ये कौन दीवाना गोलियां दाग रहा है रे? चल जरा देखें तो सही। तबीयत खुश हो गई। जरा अपना मुंह तो दिखाने साने बाज। शाबाश, गहर सिंह से आंख मिलाने की हिम्मत आज तक तो किसी माई के लाल की हुई नहीं। तू कौन है रे छोकरे? एक घायल शेर। खून का प्यासा लगता है। हाँ, मेरा शौक भी खून की होली खेलना है। मेरी टोली में आजा, बड़े बड़े शिकार हाथ लगेंगे और माल भी। मुझे सिर्फ एक शिकार की तलाश है। मेरे साथ रहेगा तो वो भी मिल जाएगा। मिलाहट। कहर सिंह से हाथ मिलाने के बाद शरीफ मेहनती फॉरेस्ट ऑफिसर विक्रम खूंखार सोने चांदी का लुटेरा बन गया। Thank you.
शाबाश मेरे से तबीयत खुश हो गई, बहुत बड़ा हाथ मारा। मेरा हिस्सा? हिस्सा काय का हिस्सा रे? अभी तो तू हमारी सागिर्दी में है और सागिर्द लोग उस्ताद से हिस्सा नहीं मांगते। मेरा उस्ताद मेरी नफरत है कहर सिंह, और कोई नहीं, आधा सोना मेरा है। हा? आधा सोना तेरा है रे? नाथिया दिल लगी करता है। कैर सिंह का तो पानी तक किसी को हजम नहीं होता, तू सोना कैसे पचाएगा रे? बदहजमी हो जाएगी बच्चे। बदहजमी हराम के माल से होती है कैसे? इस सोने को हासिल करने में मेरी मेहनत और शराफत का खून पसीना लगा है, और मैं खून पसीने की कमाई को कभी नहीं छोड़ता। शाबाश, तो इसका फैसला ताश के ये पत्ते करेंगे। जिंदगी भी तो एक जुआ ही है रे विक्रम, तू ताश की बाजी जीत ले, सारा सोना तेरा, वरना मेरा तो है ही। ले खुद बांट। एक पत्ता कम है कहर सिंह। कम है? कहीं खो गया होगा कम बखत। खोया नहीं कहर सिंह, रह गया था। मेरी बीबी की लाश के पास। बस, लेकिन तूने ये ठीक नहीं किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शरीफ लोग बुजुर्गों पर हाथ नहीं उठाया करते। तेरी तलाश में मैं आदमी से दरिंदा बन गया कहर सिंह, अब तेरे दिन पूरे हो गए। खबरदार, कोई हमारे बीच में ना पड़े। शेर की मान में शेर को आंख दिखाना बहादुर का काम है, और कहर सिंह बहादुरों की कदर करता है। ये जंग मेरे और इसके बीच में होगी। नाथिया, विक्रम को पिस्तौल दे। अब सबको बाहर ले जा और इस जगह को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दे। उस आग की रोशनी में या तो विक्रम मुझे मारकर अपने दिल की आग बुझा लेगा,
या मैं इसे खत्म करके नफरत की ज्वाला से छुट्टी दिला दूंगा। हम दोनों में से एक मरेगा जरूर, और जो भी मरेगा उसकी चिता अपने आप जल जाएगी। जा रे। मैंने कहर सिंह को मार दिया। मेरी रगों में जो नफरत का सैलाब बह रहा था वो शांत हो गया। नहीं विक्रम, कहर सिंह अभी मरा नहीं, जिंदा है। जिंदगी और मौत की जंग के बीच मजाक करना अच्छा नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा। 13 जनवरी को जो सोने की डकैती हुई थी, जिसमें नीता के डैडी मारे गए थे, और जैसा कि लोग समझते हैं कि सब सिक्योरिटी गार्ड भी मर गए थे, वो बात सच नहीं है। उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड जिंदा बच गया था। उसने कहर सिंह को देखा और उसे पहचान लिया। नामुमकिन। कहर सिंह को मैंने खुद अपने हाथ से गोली मारी है। वो मेरी आंखों के सामने मरा है। कभी कभी आंखें भी धोखा खा जाती हैं। जो दिखाई देता वो हमेशा सच नहीं होता। कैर सिंह तुम्हारी नजरों में मर चुका था, लेकिन वो जिंदा है। कभी कभी आंखें भी धोखा खा जाती हैं। जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। कैर सिंह तुम्हारी नजरों में मर चुका था, लेकिन वो जिंदा है। विक्रम तुम? आज प्रेमा की याद कैसे आ गई? हम सब तो तुम्हें तलाश कर करके थक गए, लेकिन पता ये चला कि आप जेल में आराम फरमा रहे हैं। कब छूटे? क्यों विक्रम, खामोश क्यों हो? कहर सिंह कहाँ है प्रेमा? कहर सिंह? वाह, कहर सिंह को मौत के हवाले करके पूछते हो कि कहर सिंह कहाँ है? तुम्हें कैसे यकीन है? कहर सिंह मेरी गोली से मर ही गया था। कैसे यकीन है? हमारे सामने उसकी चिता को आग, खुद नाथिया ने लगाई थी। वो कहर सिंह ही था जिसकी चिता जली थी? हाँ, हालांकि उसका चेहरा बिल्कुल झुलस गया था। फिर कहर सिंह की चिता जब ठंडी हो गई,
तो नाथिया ने मुझे और उसके साथी डाकुओं को बताया कि लूट का सोना विक्रम यानी कि तुम लेकर भाग गए। उसके बाद नाथिया न जाने कहां गायब हो गया। कहर सिंह के साथी गुस्से से पागल होकर तुम्हारे खून के प्यासे हो गए क्योंकि सोना तुम्हारे पास था। अब मैं समझा मुझ पर वो कातिलाना हमले क्यों हुए। विक्रम कहाँ खो गए? कहर सिंह के बनाए हुए चक्रव्यूह के जाल में। कहर सिंह जिंदा है नीता। क्या? उसने मेरी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। मेरे हाथों मर जाने का नाटक किया। उसके खास साथी नाथिया ने मुझे नकली गोलियों से भरी रिवॉल्वर दी। इसीलिए मेरे गोली मारने के बाद भी कहर सिंह जिंदा रहा। सोने की चोरी का इल्जाम मुझ पर लगवाया, मुझसे अपने साथियों को मरवाया और मुझे जेल भिजवा दिया। नीता, कैर सिंह हद से ज्यादा चालाक खूनी लुटे रहा है। विक्रम, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मुजरिम हूं। सच विक्रम, मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। इस गलतफहमी के लिए तुम जो चाहो मुझे सजा दे दो। सजा तो हम दोनों को मिली है नीता। हम दोनों ही कैर सिंह की हैबानियत का शिकार हुए हैं। कहर सिंह तुम जिंदा हो लेकिन तुम्हें ही यह जिंदगी मौत से भी ज्यादा महंगी पड़ेगी। कौन हो तुम? शाबाश, क्या नाम है रे तेरा? अम्बरान। ओ अम्बरान, तू बहुत अभागा है रे। तूने कहर सिंह को देख लिया है? और हमारा दस्तूर है जो भी हमें देख लेता है हम उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद कर देते। तुम्हारे पीछे भी आंखें हैं क्या? समझता तो मैं भी यही था कि मेरे जिस्म पर आंखें ही आंखें हैं जो कभी धोखा नहीं खा सकती, लेकिन कहर सिंह ने मुझे धोखा दे दिया। अगर मोटा कर हकीकत नहीं बताता तो जिंदगी भर मैं गलत फहमी में रहता। लेकिन ये भीमा है कौन? उसे कैसे कहर सिंह के बारे में पता चल गया? आखिर वो चाहता क्या है? वो मुझे चाहता है इतना तो मैं बता सकती हूँ। अगर वो तुम्हें चाहता है तो अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बता देगा। तुम पता लगाओ कहर सिंह में उसे क्या दिलचस्पी है। भीम, अरे ये तो किसी स्त्री की छींक है। कौन है? मैं हूँ आपकी नीता। ओ, 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 नीता देवी। अरे अरे मैं अभी आया। अरे अरे ठहरिएगा, आप जाइएगा मत। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं, मैं भी अभी नहा कर आई हूँ।
आपको भी नहाने की जरूरत पड़ ही गई। वो आए भीम के कमरे में, कृष्ण जी की कुदरत है, कभी हम उनको कभी हम खुद को देखते हैं। अरे वाह, आप तो शायर भी हैं। अजी मैं क्या था और मैं क्या बन गया हूँ मत पूछिए। आपके लिए फूल लाए हैं। आप आ गई मेरे कमरे में, फूलों की बग्घी आ गई। दो दिन तक तालाब के किनारे आपका इंतजार करती रही, आप आए ही नहीं। है? मेरा इंतजार, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। आपको देखने के लिए मन मचल उठा, चली आई। अब छोड़कर मत जाना। जाना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है। अगर दिल से पुकारेंगे तो फिर चली आऊंगी। बाय बाय। मार डाला। अरे लूट गया, अरे लूट गया मैं, अरे अल्बर्ट मैं तो बर्बाद हो गया, अरे ले गई सब कुछ, ले गई मेरा। ओ, क्या हो गया भीम सर, कोई चोरी हो गया क्या? अरे चोरी नहीं लल्लू, डाका। डाका? कौन डाला डाका? वही जालिम नीता ने ऐसी आग लगा गई जिसे सात समुद्रों का पानी भी नहीं बुझा सकता। समझ गया भीम सर, समझ गया, आपको प्यार हो गया है। अरे हद से ज्यादा हो गया है, लेकिन मैं उसे क्या कहूँ, कैसे कहूँ, किस तरह से उसे अपना बनाऊं? केबिन में चलिए और गौर से सुनिए, फॉलो मी। जल्दी से बोल तुलसीदास। ये ले बोल। औरत की सबसे बड़ी कमजोरी होती है चापलूसी। कौन सी लूसी? लल्लू। ये ले, सब ले, सब ले। अब बोल। यानी अपनी तारीफ सुनना, जब दोबारा नीता आपके पास आए तो आप उसको कहिए हाय डार्लिंग। क्या? हाय डार्लिंग। उसके बाद उसको सोफे पर बिठाइए और खुद उसकी बगल में बैठ जाइए। अगर वो सोफे पर ना बैठकर कुर्सी पर बैठ गई तो? कोई बात नहीं, अगर वो कुर्सी पर बैठ जाए तो आप कुर्सी के हत्थे पर बैठ जाइए। बैठ जाइए कुर्सी के। कम ऑन। अरे मार डाला ना, अरे मरवा दिया ना लल्लू, मेरी नाजुक नीता को चोट लग जाती। नहीं नहीं, वो सोफे पर ही बैठेगी। चलो बैठ गई। हाँ। फिर क्या करूं? फिर उसका हाथ अपने हाथ में लीजिए ऐसे, फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलिए, तुम्हारी आंखों में नीली झील सी गहराइयां हैं, तुम्हारे होंठ गुलाब की पंखड़ियां हैं, तुम्हारे गाल कश्मीर के सेब हैं, तुम्हारी भवें विंध्याचल पहाड़ के घने जंगलों की तरह हैं, और तुम्हारे बाल नाइग्रा फॉल के झरने की तरह हैं। अरे तुलसीदास, मैं तेरी रामायण लिख लेता हूँ। हाँ हाँ, लिख लेना लिख लेना, और उसके बाद वो हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। सच? तुम्हारे गाल कश्मीर के सेब हैं, तुम्हारे गाल कश्मीर के सेब हैं, तुम्हारे भवें विंध्याचल विंध्या तुम्हारे। आ गई। हेलो नीता डार्लिंग। हाय। आइए, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। और कहिए। मैंने सारे से कहा था कुर्सी पर बैठेगी। नहीं वहाँ नहीं, वहाँ नहीं। आप बैठिए। नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ। लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ ना, आप यहाँ आइए ना, यहाँ बैठिए सोफे पर। क्यों? मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। ओके। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? नीता, तुम्हारी आंखों में नीली झील की सी गहराइयां हैं, तुम्हारे होंठ गुलाब की पंखड़ियां हैं, तुम्हारे गाल कश्मीर के सेब हैं, तुम्हारे तुम्हारी वेट वेट और तुम्हारी भवें विंध्याचल पहाड़ के घने जंगलों जैसी हैं, और तुम्हारे ये बाल नायग्रा फॉल के झरने जैसे हैं। बस आप बड़े वो हैं, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी, मैं तो हूँ ही आपकी। तुम मेरी हो तो फिर मेरा भी सब कुछ तुम्हारा है। झूठे कहीं के,
अभी तक अपने बारे में तो कुछ बताया नहीं और कह रहे हो सब कुछ तुम्हारा है। ओहो नीता देवी, मैं तो, लेकिन मेरे बारे में सुनकर तुम्हारा प्यार कम तो नहीं हो जाएगा? कभी नहीं। तो सुनो, मैं एक छोटा मोटा चोर हूँ। अरे वाह चोर, दैट्स वेरी थ्रिलिंग। लेकिन अब मैं तुम्हारी खातिर बहुत बड़ा चोर बन जाऊंगा और कुछ ही दिनों में तुम्हें सोने से लाद दूंगा। सोना? कैसा सोना? लूट का बहुत सारा सोना इसे इलाके में छिपा है और बहुत जल्दी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। फिर मैं तुम्हारे लिए एक सोने का महल बनाऊंगा और वो मूर्ख विक्रम ताकता ही रहेगा। तो सोने के पीछे पागल है तुम्हारा आशिक? हाँ, मुझे नहीं लगता कहर सिंह में उसे कोई दिलचस्पी है। और मुझे सिर्फ कहर सिंह में दिलचस्पी है। तुम्हारे इंतकाम में मेरा इंतकाम शामिल है विक्रम। हम दोनों की मंजिल और मकसद एक ही है नीता।
बदले हवाई छाए हम की घटाए सांसे कहीं थक न जाए राहे कहीं रुक न जाए हम रुकेंगे तब रुके जहां हम सफर है हम तो हम कहां राही हूं मैं कहां मेरी मंजिल कभी कहीं बिछड़े ना दो दिल हम सफर है हम तो हम कहां हम सफर है हम तो हम कहां राही हूं मैं कहां मेरी मंजिल कभी कहीं बिछड़े ना दो दिल मैं कुछ खाने का सामान लेकर आता हूँ। ओके। सिर्फ 500 गोलियां? अरे बंदूक की गोलियां हैं, कांच की नहीं। तुम पुराने ग्राहक हो इसलिए मैंने ये जोखिम उठाया। कैसा जोखिम? देखो आजकल पुलिस की सरगर्मी बहुत बढ़ गई है, तुम भी होशियार रहना। लाओ रकम ढीली करो। हाय वाह राजा रानी, क्यों पानी में आग लगा रही है? Shut up and get out from here. Go away, damn it! Wah, 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 wah. Woo-hoo-hoo! Go ahead, baby! मुझे तेरी मस्त खुशबू यहां तक आ रही है। आह,
अबे ओ नागपाल, एक बोतल और दे। आज तेरी दारू एकदम ठंडी है साली, चढ़ी नहीं रही है। वन लार्ज। अबे ओ, इस शैला बाबू को बाद में देना, पहले बॉटल इधर ला। अबे लावे। आ रही है बोतल, आ रही है। आ गई। अरे तेरी सराय बेकार है नागपाल, ठंडी है साली। अरे शहर से कोई सुंदर नटनिया लेकर आ, कुछ नाच गाना हो तो खाने पीने का मजा भी आए। ये चौथी बोतल है रतनलाल। साला हमारे से हिसाब करता, आग लगा दूंगा तेरी सराय में। चलो चले। अरे रतनलाल, दारू के ना सही, खाने के पैसे तो दे दो। पैसे चाहिए और दूं? दे दे यार, नहीं तो बेचारा अपना धंधा कैसे चलाएगा। तू क्या इसका सगे वाला लगता है साले? दे दे अपनी जेब से, इतनी खुजली है तो। रतनलाल ने आज तक दारू और खाने का पैसा किसी को नहीं दिया। आज देना पड़ेगा। फोड़ के रख दूंगा ज्यादा बोला तो। रतनलाल, आइंदा दारू और खाने का पैसा जरूर देना। चल उठ। ये मेरी तरफ से, आज आपने हमारी जान बचा ली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कौन थे ये लोग? यहाँ के छठे हुए बदमाश। आप यहाँ नए आए हैं लगता है। सुनो दोस्त, यह पिस्तौल की गोलियां कहाँ मिलेंगी? कितनी चाहिए? 500। देखिए, कल शाम तक इंतजाम कर सकता हूँ। आप कहाँ ठहरे हैं? मैं वहीं ले आऊंगा। कल शाम को मैं खुद आ जाऊंगा नागपाल। मालिक, मालिक, क्या हुआ रे नागपाल?
तू तो ऐसे भागे चला आ रहा है जैसे तेरे पीछे कोई भूत लगा हो। भूत नहीं मालिक, हमको तो कोई बहुत बड़ा पुलिस अफसर लगे है। तेज आंखें, तेज मार। अरे रतनलाल को तो एक घूसे में लिटा दिया और फिर हमसे 500 पिस्तौल की गोलियां मांगने लगा, वो भी दुगने दाम पर। शाबाश। कौन हो सकता है रे? तूने उसका ठौर ठिकाना पता लगाने की कोशिश की? अरे रात भर खोजते रहे, लेकिन मजाल है कि उसकी कोई परछाई भी मिली हो। मालिक आज शाम को आ रहा है हमसे गोलियां लेने, लेकिन हमें उसकी आंखों से बड़ा डर लगे है। हमें तो ऐसे देख रहा था जैसे। शाबाश, जरूरत से ज्यादा देखने वाला आदमी हमारे लिए ठीक नहीं। नाथिया, तू नागपाल के साथ 500 गोलियां लेकर जा और देख तो सही ये कमबख्त अजनबी कौन है, चोर या पुलिस, दोस्त या दुश्मन।
की रानी में होके दीवानी में रातों में आती हूँ परार। तरसाती है इतना तर पाती है बड़ा
क्यों रे नाथिया, वो गोलियां लेने नहीं आया ना? कोई सुराग मिला? कौन है वो अजनबी? कोई हो तो मिले, वहां कोई ऐसा अजनबी दिखाई नहीं दे जिससे हमें कोई खतरा हो। अरे खतरा दिखाई दे जाए तो वो खतरा नहीं रहता बेवकूफ। नागपाल हमारा बहुत पुराना खबरी है, उसकी कोई खबर छूट नहीं निकली। मालिक मैं सच कह रहा हूं, वहां सब अपने जान पहचान के थे। अपनों में ही तो दुश्मन छुपा रहता है रे नाथिया। मेरे मन में शंका बैठ गई है, जरूर कोई हमारी टोह में लगा है। नाथिया, हमें ये जगह बदलनी होगी। शराब कितनी चाहिए? एक बोतल। अब एक कमरा दो, मेरे कमर को आराम की सख्त जरूरत है। जरूर साहब। कमरा नंबर 4, फर्स्ट फ्लोर। थैंक यू। नाथिया, अगर तू अपनी खैर चाहता है तो उस गुमनाम आदमी को पकड़ कर ला, तब तक मैं कोई नया ठिकाना खोजता हूं। दामाद है? यहां से तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। मैं तुम्हारे मालिक से मिलने आया हूं। चोरों की तरह कहर सिंह को बुलाओ। कहर सिंह? अरे पहले हमसे तो मिल ले।
गोली बस आया नागपाल? नहीं। तो फिर गया कहाँ? जमीन में समा गया? अब ये तो भगवान जाने, लेकिन कल रात को एक मोटा आया है, दारू की पूरी बोतल चढ़ाकर ऊपर सो रहा है। अर्जुन, भीम आ गया है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? जो एक बहादुर आदमी दूसरे बहादुर आदमी के साथ करता है। हैं? भीम की दिलेरी अब तेरी समझ में आई? देर आए दुरुस्त आए। नीचे उतारो मुझे। सोना कहाँ है? जल्दी कर मोटे, वो लोग कभी भी आ सकते की तरफ देखते हुए चलो। हाँ?
गजब हो गया, ये सोना यहाँ कैसे? कौन कमबख्त अंदर घुसा है? अरे बाहर निकल हरामजादे! सोना यही छिपा देते हैं। क्यों? इसलिए कि कहर सिंह सोने की तलाश में पागलों की तरह चारों तरफ भटकेगा। ठीक है, ठीक है। मूर्ख बात ठीक करता है, लेकिन कभी कभी दुर्दशा किसने कर दी रे नाथिया? विक्रम आया तो मालिक। विक्रम? हाँ, वो और एक मोटा सारा सोना लेके भाग गए। क्या? सारा सोना लेकर भाग गए? शाबाश, वो सोना लेकर भाग गए
और तू हरामखोर तमाशा देखता रहा। तू और ये कुत्ते के पिल्ले, हरामी, कमीने, हरामखोर बाजी। नाथिया, तुझे तो मैं ऐसी मौत मारूंगा, डर के मारे तू दोबारा जन्म तक ना ले। रहम मालिक, रहम, इस बार बख्श दो। विक्रम और सोना दोनों तुम्हारे पैरों में लग रखूंगा मैं। लाना होगा, नहीं तो पैरों से मार मार कर मैं तेरे प्राण ले लूंगा। चलो लगा जोर मूरख। अब कहर सिंह को टक्कर मारने दो। नाथिया, खबरदार जो खाली हाथ वापस आया। ठीक है मालिक, चलो। कहर सिंह की वजह से मेरी जिंदगी मिट्टी हो गई। अब इस सोने के जरिए मैं कहर सिंह की जिंदगी को मिट्टी में मिला दूंगा। सोना? कैसा सोना है? इस सोने पर ना तुम्हारा कोई अधिकार है और ना कहर सिंह का। इस सोने का सारा बोझ मैंने अकेले उठाया है। ये सोना मेरा है, मेरा। मैं तुझे हाथ तक नहीं लगाने दूंगा। भीम, मैं नहीं चाहता कि मेरे इंतकाम की आग में तुम भी मारे जाओ। अरे भीम को मारने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। इसका फैसला तो अभी हो जाएगा। हो जाए। अबे मोटे अक्कल के खोटे, कहर सिंह के आदमी हमें शिकारी कुत्तों की तरह ढूंढ रहे होंगे। थोड़ी सी भी आवाज हुई तो हम दोनों मारे जाएंगे। ठीक कहता है मूरख, तेरे लिए मेरे हाथ ही काफी हैं। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या क्या बात समझ में नहीं आ रही? बाकी मर्द क्यों अपना सुंदर गोल मटोल चेहरा मुझसे बिगड़वाना चाहते हो? मोटे नीचे आटर फोक। जब तुम कह रहे हो तो मैं आता हूं। Thank you.
बता मोटा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, कसम से मुझे नहीं मालूम। अगर मोटा मुझे नहीं मिला तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा, समझे? अगर जिंदा रहे तो। मजा आ गया रे, मजा आ गया। तबीयत खुश हो गई तुझे देखकर। हाँ, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में कभी तुझसे भी मुलाकात होगी। दुनिया बहुत छोटी है कहर सिंह, तुम अपने आप को मौत के कोहरे में अच्छी तरह छुपा नहीं सके। नाटक फेल हो गया। तेरी चलाई हुई तीन नकली गोलियां बेकार हो गई, लेकिन मुझे बहुत मजा आया उस खेल में। अब किस नाम से डाका डालते हो? डाका मैंने नहीं डाला है रे, तूने डाला है। मेरे आदमियों को मारकर सारा सोना लूट कर ले गया, क्या यही शराफत? बोल। तुम्हारी हैवानियत के सामने कुछ नहीं। एक बात बता, तुझे ये भेद कैसे मालूम हुआ कि मैं जिंदा हूं? ट्रेन के डाके में एक गार्ड जिंदा रह गया था। गलती हो गई, बहुत गलती हो गई। आदमी को हर काम अपने ही हाथ से करना चाहिए। क्यों रे नाथिया, किसी का विश्वास नहीं। भविष्य में मैं ऐसा ही करूंगा। अपने भविष्य में तो तुम आग लगा चुके हो कहर सिंह, अब तुम्हारा भविष्य राख का ढेर है। सोना कहाँ है? सोना कहाँ है विक्रम? शाबाश, जिगर वाला है रे। पर कहर सिंह ने बड़े बड़ों के जिगर तोड़ दिए, तू तो अभी बच्चा है। तेरा मुंह खुलवाना हमारे बाएं हाथ का खेल है। नाथिया! क्यों रे नाथिया, ये हराम ज्यादा कुछ पका के नहीं? अभी तक नहीं मालिक। जिद पूरी हो जाए तो हाथ ऊपर कर देना। ये ऐसे नहीं मानेगा, बड़ी मोटी चमड़ी है इसकी, निकाल इसे बाहर और बांध दे। Thank you.
हराम जादे, मैं तुझे दिल दिल करके ऐसी मौत मारूंगा कि इस लकड़ी के थंबे पर शहीद होने वाला खून के आंसू रोते। Thank you.
बने हैं खुदा झूठा है रे तेरा नशा हम देंगे नशा ये उतार जानी जानी बुरी मनमानी जानी जानी बुरी मनमानी तू है दीवाना तू नहीं माना तू 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 है दीवाना तू 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 नहीं माना लुटा यहाँ कभी उसे मारा वहाँ अब होगा जीना तो शुभा जानी जानी बुरी मनमानी जानी जानी बुरी मनमानी जानी जानी बुरी मनमानी शाबाश तो तू विक्रम का साथी है कभी था लेकिन अब नहीं ये लालची सारा सोना अकेले ही हजम कर जाना चाहता था मैंने इसकी आंखों में धूल झोंक कर सोना गायब कर दिया जब सोना तेरे पास है तो फिर तू यहाँ क्यों आया कैर सिंह मैं एक छोटा मोटा चोर हूँ तुम्हारी मर्जी के बगैर मैं सोना तुम्हारे इलाके से बाहर कैसे ले जा सकता हूँ मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है शाबाश समझदार है रे मोटा कहां पर है सोना बता दूंगा लेकिन आधा सोना मुझे देना होगा मालिक 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 सीआईडी इंस्पेक्टर भीम सिंह चोरों की बस्ती में पुलिस मजा आ गया रे नातिया मजा आ गया मजा तो तब आएगा कहर सिंह जब पुलिस तुम्हें बेड़ियां पहनाएगी इंस्पेक्टर साहब आपके होते हुए पुलिस मुझे छुएगी भी नहीं जिंदा रहना चाहता है तो बताओ सोना कहाँ है मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है इनकी तो है इन दोनों का खून तेरे सर पर होगा इंस्पेक्टर कैर सिंह सोना मुझे बता दे और उसके बदले में दो जिंदगियां बचा ले ठीक है तुम इन दोनों को छोड़ दो मैं तुम्हें बताता हूं सोना कहां है शाबाश मैं इतना बेवकूफ नहीं इंस्पेक्टर ये विक्रम हरामजादा यहीं रहेगा और ये छोकरी हमारे साथ जाएगी जमानत के तौर पर चलो नाथिया अपने मेहमान का जरा ख्याल रखना रे तेरा समय पूरा हो गया विक्रम बोल मरने से पहले तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है हंस ले विक्रम जी भर के हंस ले क्योंकि ये हंसी तेरी आखिरी हंसी है हंस तो किस्मत रही है कहर सिंह की बेवकूफी पर पुलिस इंस्पेक्टर के साथ लूट का सोना लेने चला गया अब कहर सिंह वापस नहीं लौटेगा क्या पक्का है सच कहता हूं नाथिया मौत के सामने आदमी कभी झूठ नहीं बोलता और तू तो जानता है मुझे सोने की नहीं कहर सिंह की तलाश थी तुझसे मेरा कोई बैर नहीं नाथिया मेरे साथ चल मैं तुझे सारा सोना दे दूंगा कब तक कहर सिंह की गुलामी करेगा
रोक क्यों गया? सोना यहाँ है। कहाँ है? दिखा मुझे। मुझे खोल तो सही। मिट्टी खोद, मिट्टी तो तुझे खोदनी होगी। सोना निकाल। तुझे मालूम है तू क्या है नाथिया? अस्तिन का सांप। ही मांगने वालों की भीड़ जमा हो गई कम वक्त। दुष्ट रावण की औलाद है। साबा तू बहुत अभागा है रे इंस्पेक्टर। तूने हमको देख लिया और हमारा दस्तूर है जो भी कहर सिंह को देख लेता है हम उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। ये जानवर मेरा शिकार है। कहर सिंह, तूने मेरी इंसानियत पर हमला करने से पहले मुझे कोई मौका नहीं दिया था, लेकिन मैं तेरी हवानियत को मौका दूंगा। ये ले। मेरी जिंदगी नकली गोलियों के नाटक से जख्मी की थी और आज वही नाटक हकीकत में तेरी मौत बन गया है, लेकिन इसमें असली है। मूरख, तू जिस बक्से पर तांडव कर रहा था उसमें सोना नहीं बारूद है।
के बल रेंग रेंग कर जा कमीने। छेड़े ना दो।